सऊदी अरब को इस्लाम का गढ़ माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि वहां पे सनातन धर्म का केंद्र हुआ करता था कभी? और ये बात आजकल या 100, 200, 300, 400 साल पुरानी बात नहीं है, ये बात है 8000 साल पहले की। और ये खुलासा हुआ है वहां पर मिले एक प्राचीन मंदिर से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पे ऐसी ऐसी जानकारियां मिलेगी जो शायद आपको कहीं और ना मिले। और ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आखिर वो खुलासा क्या है, वो प्राचीन मंदिर में ऐसा क्या मिला कि अब लोग ये कहने लगे हैं कि सऊदी अरब कभी सनातन धर्म का केंद्र हुआ करता था। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। तो आगे बढ़ते हैं इस सफर में। सनातन धर्म सऊदी अरब में, ये सुनकर के थोड़ा सा अचंभा होता है। ऐसा लगता है कि जो इस्लाम का गढ़ है, जहां मक्का मदीना है, जहां पर हज करने के लिए करोड़ों मुस्लिम जाते हैं, उनका पवित्र स्थान है, वो कभी सनातन धर्म का केंद्र हुआ करता था, वो सनातन धर्म का गढ़ हुआ करता था। लेकिन ये बिल्कुल सच है। आज आपको पूरे दस्तावेज में दिखाऊंगा, वो तस्वीरें दिखाऊंगा जो ये खुलासा कर रही है। और ये कोई ऐरा गैरा कोई या ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसको नकारा जा सकता है, बल्कि ये जो खोज करवाई है वो वहां की सरकार ने ही करवाई है, क्योंकि वो भी ये जानना चाहती है कि फिलहाल जो 1400 साल पहले जिस जगह पे इस्लाम का उद्भव हुआ, उस जगह पे पहले क्या था, इस्लाम से पहले वहां क्या था। तो ये जानकारी ये इस खुदाई में मिली है, और ये खुदाई हुई है सऊदी अरब की राजधानी रियाद के पास एक साइट है अल्फा। अल्फा जगह पे ये खुदाई हुई है, और वहां खुदाई में 8000 साल प्राचीन मंदिर मिला है। और इस मंदिर में क्या क्या मिला है वो मैं बता दूं आपको। इस मंदिर में मिला है रथ का पहिया, इस मंदिर में मिला है शिलालेख, इस मंदिर में मिली है यज्ञ वेदी। ये तमाम चीजें जो मिली है उस साइट से, वो इस ओर इशारा कर रही है कि ये कभी, ये जगह जो है, ये जो सऊदी अरब है, ये कभी सनातन धर्म का केंद्र हुआ करता था, सनातन धर्म का गढ़ हुआ करता था। अगर आपको समय का अंदाजा लगवाऊं मैं, तो ये उन दिनों की बात है जब भगवान राम का जन्म भी नहीं हुआ था। भगवान राम के जन्म से पहले की बात है कि सऊदी अरब में इस तरह के मंदिर में पूजा पाठ हुआ करता था। और जो इस मंदिर में यज्ञ वेदी मिली है, वो एग्जैक्टली वहीं पे है जहां पर सनातन धर्म के अनुसार किसी मंदिर में यज्ञ वेदी होनी चाहिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सब कुछ सनातन धर्म के ग्रंथों में वर्णित जो रीति रिवाज है उसके मुताबिक वहां पे मौजूद है, तो वो कितना बड़ा केंद्र रहा होगा सनातन धर्म का। और यहां पर हिंदू सभ्यता का अस्तित्व मिला है। जो हिंदू सभ्यता थी वहां पे काफी पहले से थी, काफी प्राचीन काल से वहां पे थी, और अवशेष यहां जो मिले हैं वो इसकी पुष्टि करती है कि वहां पे हिंदू सभ्यता थी। और ये जो सर्वे कराया है वो करवाया है सऊदी अरब हेरिटेज कमीशन ने। ये एक मल्टीनेशनल टीम है जिसमें सऊदी अरब और फ्रांस के पुरातत्वविद मिलकर के इस तरह का सर्वे कर रहे हैं। और अल्फा में मिले सिर्फ अवशेष ही नहीं, यहां सामने आए हैं धार्मिक शिलालेख भी, जो मैंने आपको बताया उस दौर के लोगों को धर्म की कितनी समझ थी वो इन सब चीजों से समझ में आती है। और वहां पर जो हिंदू सभ्यता है उसकी जो अवशेष मिले हैं उसके, उसमें जटिल सिंचाई व्यवस्था के जो है अवशेष मिले हैं, नहरें मिली है, पानी के तालाब के अलावा
सैकड़ों गड्ढे वहां खोदे गए हैं, ये इस तरह के प्रमाण वहां मिले हैं उस साइट से। अब ये जो कमीशन है सऊदी अरब हेरिटेज कमीशन, उसका कहना है कि अभी यहां पर और खुदाई होगी और रिसर्च वर्क होगा ताकि इतिहास से जुड़ी नई नई जानकारियां सामने आ सके। यहां के लोगों को यहां के विरासत के बारे में भी जानकारी मिलनी चाहिए, यही कमीशन का उद्देश्य है और यही उद्देश्य है सऊदी अरब सरकार का। तो इस सर्वे में जो तमाम जानकारियां मिली, इस सर्वे में जो शिलालेख मिले, उस पे जो उकेरी हुई चीजें हैं, उसको पढ़ने की कोशिश की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या सऊदी अरब में सनातन का जो ये केंद्र रहा है, वहां पे पूजा पाठ का क्या महत्व था और यहाँ पे जो प्राचीन मंदिर मिले हैं वहां पे किस तरीके से पूजा पाठ की जाती थी। तो ये तमाम चीजों की खोजबीन अभी जारी है, लेकिन इस अवशेष से और जो प्राचीन मंदिर मिला है उससे ये तो साफ हो गया है कि सनातन धर्म का दबदबा सऊदी अरब में पहले कभी हुआ करता था, जो कि आज की तारीख में इस्लाम का गढ़ बन चुका है।